हेलो आज मैं देखो ना लिखने वाले भाई, मेरे पास सुपर मैल्स तो में आप एंड में क्यों जा रहे यूट्यूब हो, मुझे जरा बताओ ना। रिएक्शन आपने पार्ट क्या नहीं, मुझे अपना कर घर डेकोरेट करना। तेरे को पता है एंड्रॉइड मिलनी कितनी मुश्किल है भाई। तो और भाई क्राफ्ट करने एकदम इम्पॉसिबल है, तेरे को पता था? अरे भाई आप एकदम गलत हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप माइनक्राफ्ट में आसानी से एंड्रॉइड कैसे लेकर आ सकते हो। ये झूठ फूट के, मेरे को एंड्रॉइड नहीं चाहिए भाई, मेरे को असली वाली चाहिए। अरे मैं आपको असली वाली क्राफ्ट करके दूंगा। ए चल दे, खोलते हैं। एंड्रॉइड की रेसिपी है ही नहीं। आ जाओ मैं आपको बताता हूँ ना। तो सबसे पहले गाइस आपको निकालना होता है ये कोरस फ्रूट भाई, ये वाला पॉप वाला निकालना है। और गाइस अगर आपको पॉप वाला बनाना नहीं आता तो वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। बोलने वाला था कि पॉप वाला कैसे बनता है यार, ये पहले ये बता। आपको सिर्फ कोरस फ्रूट फर्नेस में डालना होता है, फिर ये पॉप बन जाएगा। दिखा, मैं मानना नहीं भाई। अच्छा एक मिनट भाई, ये बंदा लिटरली मेरे को एंड्रॉइड क्राफ्ट करके दिखाएगा। इम्पॉसिबल ब्रो, इम्पॉसिबल। जल्दी दिखा मेरे को। फर्नेस यहां पर रखो और देखो भाई, अभी एक्चुअली स्मेल्ट हो रहे हैं और ये बन जाएगा पॉप कोरस फ्रूट। ठीक है ना, एक्चुअली काम कर रहा है, मेरे को पता भी नहीं था। और सेकंड आइटम आपको चाहिए ब्लेज रॉड। अब ये खा सकता है क्या तू? अब ये कोरस फ्रूट नहीं, ये आप नहीं खा सकते। ओके अभी क्या करना है इसका? और ये देखो भाई, अभी ये पॉप बन गया। ठीक है ना, ये और अभी आपको चाहिए ब्लेज रॉड भाई। ब्लेज रॉड भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको तो पता ही है ना कि वो कैसे बनती है। मेरे को नहीं, हाँ वो ब्लेज रॉड मेरे को पता है। हाँ अभी ओके, और अभी आपको क्राफ्टिंग टेबल खोलना है और सिंपली ब्लेज रॉड यहाँ पर और उसके नीचे पॉप कोरस फ्रूट। और ये देखो एंड्रॉइड आपकी तैयार हो गई। सीरियसली देखा, एक्चुअली काम कर रहा भाई। मेरे को लगा था कि एंड्रॉइड मेरे को वहां से एंड से लेके आनी पड़ेगी, एंड सिटी से लेके आनी पड़ेगी। हाँ देखा, मैंने आपको आज बता दिया। मैंने सिर्फ दो आइटम यूज किए और उससे भाई चार चार निकल आए। देखा भाई, 10 मिलियन भाई। चपाती बाइक भी चाहते हैं कि मेरी 10 मिलियन हो जाए ओपी। अच्छा अच्छा जा रहा है यार, तो चलेगा। तो थिंक अभी इस वीडियो में इतना ही काफी। होप यू एंजॉय इट। मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। आज मैं लोगों को बताऊंगा कि ट्रोल किसे कहते हैं। आखिरकार मेरे पास एक बहुत ही गाइस खतरनाक वाला आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है और आज मुझे पूरा लोगों से बतला लेना है। उसने लास्ट टाइम ट्रोल करके भाई साहब मेरे पूरे जो वो थे, मेरे वो क्या कहते हैं उसको, चेस्ट सारे उसने लॉक कर दिए। और अभी ब्रो मेरी बारी है, अभी फुल ऑन बदला लेना है मेरे को लॉगे से। और मुझे बदला लेने के लिए गाइस कुछ चीजें मेरे को चाहिए और सबसे पहले मैं ढूंढ रहा हूँ मैग्मा ब्लॉक। मैग्मा ब्लॉक ऑब्वियसली आप मैग्मा को मार के ले सकते हो, जो मैग्मा मॉब है माइनक्राफ्ट की उसको मार के ले सकते हो। और यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक्स पड़े होते हैं यार, नॉर्मली नेदर के अंदर इतने सारे मैग्मा ब्लॉक्स पड़े होते हैं, मैं क्या बताऊँ। लेकिन आज मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है कि मैं लाइट रॉड लेके भी नेदर के अंदर नहीं आया। वेरी वेरी बैड, बहुत सी घटिया लेवल की गेमिंग मैच खेल रहा हूँ। बच गया, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बच गया। मुझे बिल्कुल लावा के पास जाना होगा क्योंकि अरे नेदर क्या बात है, यू आर सो एपिक यार। मुझे यहाँ पर फाइनली मैग्मा ब्लॉक मिल चुका है। मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास 5 है और ये क्या कहते हैं उसको यार, मेरे पास मैग्मा क्रीम भी है, तो इससे मैं और मैग्मा ब्लॉक्स मार सकता हूँ। लेकिन मेरे को और मैग्मा ब्लॉक्स चाहिए। बच गया, ये तो शुक्र है कि मैं बिल्डिंग मटेरियल साथ में लेके आया था। तो मुझे थोड़ा बहुत केयरफुल तरीके से मैग्मा ब्लॉक को हार्वेस्ट करना होगा क्योंकि आपको तो पता है कि यार जरा सी गलती की और लावा मेरे ऊपर या मैं लावा के अंदर। केयरफुल ब्रो, एब्सोल्युटली केयरफुल। क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत सारा, ओ माय वर्ड कितना सारा। आई थिंक इतना इनफ होगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्टेयर के सा बना चुका हूँ। ओ भाई साहब एपिक, कम ऑन क्विक क्विक क्विक। ओके मुझे लालच नहीं करनी चाहिए, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी लालच नहीं करनी। 26 मेरे पास हो चुकी है, अभी चलते हैं। बापू ये कास पे आ चुके हैं, अभी चलते हैं ब्रो अपने वर्ल्ड के अंदर। फाइनली गाइस बैक इन टाउन और लॉगी अभी तक माइनिंग करके नहीं आया। मेरे को पता मैंने कितनी दूर गया माइनिंग करके, पता नहीं कहां पर होगा। मुझको लगता है कि शहर के अंदर आ चुका है क्योंकि हमारा काले वाला घोड़ा जो है एकदम नाच रहा है और वो बंदा तभी नाचता है जब लॉगी शहर के अंदर होता है। लॉगी तो शहर के अंदर है क्या? मेरे को बिल्कुल नजर भी नहीं आया, तो आई थिंक अभी भी शहर से बाहर है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर लॉगी जितनी देर लगाएगा माइनिंग करने में उतना हमारे लिए फायदा है क्योंकि मैं अपना पूरा ट्रैप एकदम से सेट कर सकता हूँ। अभी मुझे फिर से वेयर हाउस के अंदर जाना जो कि लास्ट टाइम लॉगी ने ब्लॉक करके रखी हुई थी। हेलो कटोरी कैसे हो? और यहाँ पर कुछ चीजें मेरी पड़ी हुई है, ये रही गाइस, तो ये रही मेरे ट्रैप बनाने का सामान। तो बाकी जो चीजें जो मेरे को फिलहाल नहीं चाहिए मैं अपने जेब में रख लेता हूँ, मुझे चेस्ट के अंदर रख लेता हूँ, मेरे को फिलहाल वो नहीं चाहिए। और अभी मेरे को एक चीज चाहिए और वो है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन मेरे को पता है कि बड़ी मात्रा में लॉगी के गैरेज के अंदर पड़ा हुआ है और मैं वहां से उठा लूंगा। और ये रहा गाइस मेरा दी महान ट्रैप, यहां पे शुरू हो रहा है। तो गाइस मेरी प्लानिंग ये है, यहां पर मैंने कुछ लीवर्स लगा कर रखे हैं, तो इस लीवर से अगर मैं दबाऊंगा तो लॉगी का स्पॉन पॉइंट यहां पर सेट हो जाएगा। और ये लीवर अगर मैं दबाऊंगा तो नीचे वाली स्कार्फ होल्डिंग टूट जाएगी और जैसे ही नीचे वाली स्कार्फ होल्डिंग टूटेगी तो ये सारी ऊपर से टूट जाएगी। और जैसे ही लॉगी यहां पर आएगा तो मैं ये बटन दबाऊंगा तो लॉगी नीचे गिर जाएगा और बार बार वो यहीं पे स्पॉन होगा और नीचे करेगा, यहीं पे स्पॉन होगा और नीचे करेगा। भाई आज तो मैंने लॉगी के ना एकदम से छक्के चौके सारे छोड़ देने हैं। अरे मैं जो यहाँ पे प्रिपेयर करनी है तो इसको ऐसे लंबा करो, इसको ऐसे तोड़ो, आप पे लग जाओ उस तरफ जानी है। उई, मैं भी नीचे करने वाला था। यो मुझे
दिस इज हार्ड। ओके, इसको यहाँ से मेरे को लंबा करना है, इसको यहाँ से मेरे को यहाँ से लंबा करना है, और इसको यहाँ से थोड़ा बहुत बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से मेरे को ये स्कार्फ होल्डिंग लंबी करनी पड़ेगी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ से भी लंबी कर लेते हैं, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, एकदम एपिक लग रहा है। और गाइस, इसको कवर करने के लिए मैं अपने साथ थोड़े बहुत कार्टून्स लेके आया हूँ, ताकि लॉगी को बिल्कुल भी पता ना लगे कि यहाँ पे नीचे मैंने कुछ बना के रखा है, उसको लगेगा कि भाई डेकोरेशन है। एकदम मस्त प्लानिंग मेरे को लग रही है। आई थिंक ये आइडिया मेरा 100% काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है मेरा कोई तीर कमान मार रहा है कहाँ से, आई डोंट नो कौन मार रहा है मेरे को। और नॉर्मली मुझे मेरे ऊपर तीर कमान लॉगी मार रहा था, पता नहीं कहाँ और आया एक और। लॉगी हे मत कर, तू कहाँ से मार रहा मेरे को, ए तेरे को चीफ ढूंढ रहा, तेरे घर के अंदर नहीं आना, तेरे को चीफ ढूंढ रहा, पता नहीं पूरा हे मामा वो खड़ा है ऊपर, तेरे को चीफ ढूंढ रहा, जा चीफ से बात कर भाई, चीफ से बात कर। मैं इतना मोटा तीर का मतलब हाथ में पकड़ा हुआ, लेकिन तीर तो मेरे पास बिल्कुल है भी नहीं। ऑलराइट, इससे पहले कि लॉगी यहाँ पे आए ना, मुझे फटाफट से ये चीजें कंप्लीट करनी होंगी। अगर वो यहाँ पर इससे पहले आ गया तो प्रो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि इन चेस्टों के अंदर एक में ऑब्सीडियन है, तो मेरा दूसरा ट्रैप है इन सब के ऊपर ऑब्सीडियन रख दो, ताकि लॉगी बिल्कुल खोल ही ना पाए। क्या बात है, इसे कहते हैं मास्टर ट्रोलिंग वाला प्लान। इसके ऊपर भी ऑब्सीडियन रखो, और इन दोनों चेस्टों के ऊपर भी ऑब्सीडियन रखो, ताकि लॉगी खोल ही ना पाए। तो ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। इसके बाद एक और डेंजरस ट्रोल मेरे पास है, उसके लिए मेरे को एक्स चाहिए। सबसे पहले एक्स से मेरे को ये रैंडम फ्लोर तोड़ना है। तोड़ो, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, और इस फ्लोर के नीचे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक रखता हूँ, और मैग्मा ब्लॉक के ऊपर कारपेट। लॉगी जैसे ही इस कारपेट के ऊपर जाएगा, मैग्मा ब्लॉक से उसकी हेल्थ चली जाएगी, उसको कभी भी पता नहीं लगेगा कि इन कारपेट के नीचे भी ट्रोल है। तो ब्रो, एक वीडियो में मैं 3 बारी लॉगी को ट्रोल करूंगा, और उसको कभी पता ही नहीं लगेगा। एकदम एपिक प्लान है मेरा। तो यार, इसको यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, 2 यहाँ पर रखने हैं, 3 यहाँ पर रख देता हूँ, कुछ यहाँ पर। ओए, अरे लॉगी को ट्रोल करने के चक्कर में मेरी खुद की हेल्थ, ओए मेरी खुद की हेल्थ जा रही है इसकी तरफ। कारपेट, कारपेट। तो गाइस, एक काम करते हैं, जितने भी सारे लाल कारपेट है ना, उनके नीचे रखते हैं मैग्मा ब्लॉक, ताकि मेरे को पता लगे कि मुझे इन लाल कारपेट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। और जो ऑरेंज वाले कारपेट बचे हैं, तो ये रैंडमली मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। पटैक पटैक पटैक, एकदम से रन। ओए मेरी हेल्थ जा रही है, भाई साहब बच गया। अभी मेरे को ये वाला बटन दबाना है, और इससे लॉगी का स्पॉन पॉइंट जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा। हमारा ट्रोल एकदम से रेडी हो चुका है। लेट्स गो लॉगी, अब तेरी खैर नहीं है। यार चीफ से घर तो मैं लौट कर आ गया, तो अभी मैं देखता हूँ यार चपाती भाई सुबह सुबह क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। मैं तेरा जो लास्ट टाइम हमने वेयर हाउस फोड़ कर रखा था ना, तो मैं वही रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो आपको करना ही। सॉरी सॉरी, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, ज्यादा दिमाग मत खराब करना। अच्छा 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 अच्छा। और हां, अभी लॉगिन में जा रहा हूं घर के अंदर, और तू भी जा घर के अंदर, और मैंने तेरे लिए घर के अंदर एक सरप्राइज रखा हुआ है। कौन सा सरप्राइज? तू जा घर के अंदर देख ब्रो, एकदम कौन सा घर है भाई, कौन सा घर के अंदर जाना है। देख मैंने तेरे घर के अंदर क्या डेकोरेशन करके रखी है। बाहर भी बाहर कारपेट, बाहर तो कारपेट नहीं थे भाई, ये वो मैंने डाल दिया ना, मेरे को लगता है अच्छा लगेंगे। मैं यहां से चला जाता हूं। अरे देख, मैं खुद कारपेट के ऊपर जा रहा हूं, ये एकदम मस्त है। जा सकता हूं ना कारपेट के ऊपर? अच्छा, सही लग रहा है ना? हां मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, एपिक लग रहा है मेरे को तो यार। ये मैं अंदर रहा हूं अभी। अभी जा अंदर, सरप्राइज है तेरे लिए। ओ तेरी, अरे ये क्या कर दिया? तो मैंने सारे डब्बों के ऊपर तेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऊपर ओए क्या था भाई, मैं डैमेज किससे ले रहा हूं? मुझे लगा तेरे कमरे के अंदर भूत आ चुका है भाई। यार ये ऑब्सीडियन यार क्यों रखा भाई, ये किस उम्र को? 2 साल लगेंगे पूरे डब्बों के ऊपर से ऑब्सीडियन घटाने में। तो भाई अब बच गए यार, मेरे पास ऑगी का पिकैक्स नहीं है, खतरनाक वाला वो भी मेरे पास है। दे दो भाई मुझे, वो दे दो। इधर और भी लगी हुई है, मुझे लग रहा है लॉगी तेरे घर के अंदर भूत है, क्योंकि मैं भी डैमेज दे रहा हूं ब्रो। एक मिनट भाई, मुझे बड़ा खतरनाक पिकैक्स मिल गया ब्रो, मैं भी डैमेज दे रहा हूं। अरे लाल कारपेट सेफ है, तो लाल कारपेट के ऊपर खड़ा हो वहाँ पे तेरे को भूत नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गोल्डन कैरेट खा लेता हूँ, गोल्डन कैरेट से कुछ नहीं होने वाला। लाल कारपेट जो है एकदम सेफ है। लाल कारपेट कुछ नहीं लिया भाई, विच से ओ तेरी ओए मेरे को डैमेज, फिर से डैमेज ले रहा हूं। मैं देर को डैमेज करने की सोच रहा हूं, मैं खुद ही डैमेज हो रहा हूं। सॉरी नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना भाई, मुझे पता है आप, ये आप थे भाई, ये आप, आपने कुछ किया है, आपने कुछ किया है। तूने लाल कारपेट जो है चोर बाजार से लिया, और मैं डैमेज कर रहे हैं। मुझे आपने दिए हैं भाई, आपने मुझे दिए ही हैं। फिर से खड़ा होइयो, कौन सा इसके ऊपर? पूरा मर के देख क्या होता है, पूरा मर के देखियो क्या होता है भाई। मर के क्या मर जाऊंगा भाई, क्या तेरी हेल्थ जा रही है नीचे, एकदम बढ़िया।
भाई मेरे पास बड़ा खतरनाक सामान है। सामान मैं हूँ ना, तेरा सामान मेरे पास सेफ ही रहेगा। दो लिवर लगी हुई देख। अच्छा तो लिवर से होता क्या भाई? किया था अभी देखियो, जैसे मैं लिवर दूंगा ना एक मैजिक होगा। मैजिक टू थ्री। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? अरे रिस्पॉन्ड करियो। भाई ये चीटिंग है। इसे कहते हैं दी गॉड ट्रोल ब्रो। एकदम फिर से आ गया, फिर से नीचे। ओह माय गॉड यार, बचने की कोई आसार ही नहीं है तेरे तो। भाई तूने लास्ट टाइम मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया ब्रो। भाई काम करो, मुझे एक ब्लॉक दे दो भाई, मेरे लिए एक ब्लॉक काफी है। जब तक सारे मिलके सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते तब तक मैं लॉगिन को नहीं छोड़ूंगा। मरता रहे ऐसे। गॉड यार, यार ये चीटिंग है गाइस। सब जल्दी से गाइस सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। सॉरी मॉन्क, फिर कभी ट्रोल नहीं करेगा मेरे को। अच्छा अच्छा, नहीं करो भाई, चलो सॉरी सॉरी। ओके मेरे पास एक ट्रिक है, अगर मैं ये वाला बटन दबाता हूं तो यहां पर एकदम से ग्रास ब्लॉक आ जाएगा और तू जब रिस्पॉन होगा तो बिल्कुल ग्रास ब्लॉक के ऊपर। ओह एकदम खतरनाक ट्रोल हो चुका है गाइस। तो मैं चलता हूँ। ओह माय गॉड गाइस, बड़ा खतरनाक ट्रोल था यार ये। सबसे पहले मैं ऑब्सीडियन से ट्रोल हो गया यार। मुझे ये ऑब्सीडियन अभी तक थोड़ा और भी बाकी है यार। ये फैंटम दिमाग खराब कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऑब्सीडियन मुझे फिर से भी तोड़ना पड़ेगा। ऊपर तो नहीं रखा ना? अच्छा ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। और ऑल्सो यार ये कारपेट, ये कारपेट नीचे है। ओ भाई लोग प्लीज यार सपोर्ट करो ना यार, इस पे टच करके सभी बंदे मेरे। सो गाइज मैंने बवंडर ग्लूवॉल की टिप्स एंड ट्रिक्स दी है। जैसे कि यार पागल M10 ग्लूवॉल मारता है तो उसको मैंने सबसे इजी वे में आपको सिखाया है। तो यार अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप सिखाने वाला हूँ। ट्रिक के बारे में तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर ने बता दिया होगा। हाँ बट आज मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरह से बवंडर ग्लूवॉल का यूज कर सकते हो, कैसे लगा सकते हो। आपने अक्सर पागल M10 की वीडियो में देखा होगा, वो सामने एक
ग्लूवॉल मारता है एंड उसके बाद पीछे तीन ग्लूवॉल मारता है, जिसकी वजह से उसके सामने वाली ग्लूवॉल हट जाती है एंड वो पूरी स्क्वाड को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है एंड उनको बहुत आराम से मार देता है। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लेना, क्योंकि यार इस चैनल पे मैं आपको सारे ट्रिक सबसे इजी वे में सिखाता हूं, जो कि यार शायद ही कोई यूट्यूबर सिखाता होगा। अच्छा, तुमको सिखा दिया है? नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बवंडर ग्लूवॉल के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। अगर गाइस आप कस्टम खेलते हो तो वहाँ पर आपके सामने 1v2 1v4 की सिचुएशन तो बनती होगी, तो उनको हैंडल करने के लिए अगर आप बवंडर ग्लूवॉल का यूज़ करते हो तो गाइस आप आराम से उनको हैंडल कर सकते हो, उनको घुमा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो मैं इस एनिमी को किस तरह से घुमा रहा हूँ, इसको पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है, अगर गाइस आप इस तरह से जोन में फंस जाते हो, मतलब पीछे से जोन आ रहा है और आपके सामने ग्लूवॉल लगी पड़ी है, कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जब आप अपनी ग्लूवॉल को हटाओगे तभी आप निकल पाओगे। तो आप पता है क्या करोगे, आप साइड में 2-3 ग्लूवॉल मारोगे तब जाके आपकी ग्लूवॉल हटेगी एंड फिर आप भागोगे, ठीक है। ये नॉर्मल होता है जिसकी वजह से सामने वाला एनिमी आपको आराम से मार सकता है, बट अगर आप वंडर ग्लूवॉल का यूज़ करके वहाँ से निकलोगे तो गाइस एनिमी भी कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से किस तरह से बाहर आए एंड आप उसको बहुत आराम से मार सकते हो। तो सेकंड एडवांटेज ये है एंड थर्ड एडवांटेज ये है कि बवंडर ग्लूवॉल काफ़ी कूल लगती है, एकदम न्यू स्टाइल है। तो गाइस आप इसको यूज़ करोगे तो आपके फ्रेंड भी आपके फैन बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी ट्रिक को जान लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सामने एक ग्लूवॉल मारनी है एंड ग्लूवॉल मारने के बाद आपको राइट या लेफ्ट से रस नहीं करना, आपने जिस साइड ग्लूवॉल मारी है रस भी उसी साइड से होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको रन करना है एंड रन करने के बाद आपको जंप करना है एंड जैसे ही आप जंप करो उसी टाइम आपको अपनी स्क्रीन को 360 डिग्री घुमाना है, यानी कि जिस साइड आप भाग रहे हो, आप ग्लूवॉल की साइड भाग रहे थे ना, तो आपका फेस उसी साइड हो जाना चाहिए जब आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करते हो। तो और जब गाइज आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करते हो तो उस टाइम आपको अपने लेफ्ट फायर बटन का यूज़ करना है। जब गाइज आपका कैरेक्टर का फेस राइट या लेफ्ट की तरफ हो, जिस भी साइड से आप रोटेट कर रहे हो, तो उसी टाइम आपको अपने लेफ्ट फायर बटन के ऊपर टैप टैप करना है और स्क्रीन को घुमाते रहना है, जिसकी वजह से आपके पीछे 3-4 ग्लूवॉल लग जाएगी। और जब आपके कैरेक्टर का फेस आगे की तरफ हो, मतलब कि आपकी सामने वाली ग्लूवॉल हट जाए, उस टाइम आपको अपने क्विक वेपन स्विच बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके हाथ में वेपन आ जाएगी और जो सामने एनिमी होगा आप उसको बहुत आराम से मार सकते हो, ठीक है। या फिर आप इन स्टेप को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि यार आपके सामने वाली ग्लूवॉल तो हट जाएगी, फिर दोबारा से आप अपने सामने ग्लूवॉल लगा के फिर से इन स्टेप को रिपीट कर सकते हो और आगे भाग सकते हो, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं इस ट्रिक को सीखने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है। तो देखो, आपको अपने सामने एक ग्लूवॉल मारनी तो आती है, उसके बाद रन करना भी आता है एंड उसके बाद जंप भी कर लोगे, बट 360 डिग्री स्क्रीन को घुमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले आपको इसको सीखना है, आपको रन करते हुए जंप करते हुए अपने स्क्रीन को 360 डिग्री घुमाना है कुछ इस तरह से, जिस साइड आप भाग रहे हो उसी साइड आप भागते रहने चाहिए। आप इसको ट्रेनिंग ग्राउंड कहीं पर भी सीख सकते हो। इसको सीखने के बाद आपको बैक ग्लूवॉल लगाना आना चाहिए, अपनी स्क्रीन को 360 डिग्री घुमाते हुए आपको बैक ग्लूवॉल लगानी है कुछ इस तरह से। और जब गाइस आप बैक ग्लूवॉल लगाना और 360 डिग्री घुमाना सीख जाओगे तो उसके बाद आपको भी ये टेक्निक आ जाएगी, क्योंकि यार इस टेक्निक के अंदर सिंपली हम अपने सामने एक ग्लूवॉल लगाते हैं, उसके बाद रन करके जंप करके पीछे ग्लूवॉल लगाते हैं और यही तो सिंपल सी ट्रिक है। आई होप कि गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको इस ट्रिक का हैंड कैम चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए 5000। आई होप कि आप करा दोगे और यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत। मेरा बैग रेफरेंट दो तुम्हारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो। सो गाइस वेलकम बैक। तो आज हम ट्राई करने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मेथ जो कि 100% प्लेयर्स को बिल्कुल फेक लगते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो रियल भी हो सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना। तो यार एक बार फिर से आ चुके हमारी उसी वाली दुनिया में जहाँ पर यार बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। चलो ठीक है, कोई टाइम पास नहीं आ रहा। ओके, तो अब ट्राई करते हैं हमारा पहला वाला मिथ। तो पहला वाला मिथ क्या, हम विदर बोस के नेम को भी चेंज कर सकते हैं जब वो एक्सप्लोड हो उससे पहले। मतलब क्या ये ट्राई करते हैं यार, ये एनविल रखा यहाँ पर, अब नेम टेक लेते हैं। नेम टेक करा, ये रहा, अब इसको नीरेम करते हैं हम लोग राजू। एक मिनट, ये क्या लिख दिया, राजू की स्पेलिंग नहीं आती। ओके, तो अभी उन्हें स्पेलिंग देख ली है और अब ये लिखा राजू, लिए अपना नेम टैग। और अब बारी है विदर बॉस को स्पॉन करने की। क्रिएटिव में वो फिर भी यार थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यार विदर बॉस है, वो फटता रहेगा, अपना पूरा वर्ल्ड ब्लास्ट कर सकता है यार, समझा करो। अब यहाँ पर सोल सैंड लगा दिए कुछ इस तरीके से, दोनों तरफ लगा दी, ये बन गया हाथ। अब रखते हैं हम लोग काली खोपड़ी को इसके ऊपर, ये रख दी और विदर बॉस स्पॉन हो गया। अबे अबे अबे, फटना मत, बिल्कुल मत फटना। फटने से पहले नेम टैग देना, ये दिया नेम टैग और ये देखो गाइस ये क्या हो गया,
सच में विश्वास नहीं हो रहा यार, हमने विदर का नेम टैग दिया और वो नेम टैग से उसको पूरा नेम भी चेंज हो चुका है। कितनी ज्यादा सही चीज बताई यार, ये फनी हो गया, बिल्कुल फनी नाम बन चुका है। और गाइस मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था और आप लोग पीछे देखो ये क्या हो रहा है। तो गाइस ये वाला मित्र होता है 100% कंफर्म। और हाँ, इस चीज के लिए एक लाइक करो अभी, क्या अभी वीडियो को लाइक। पिछली बार मैंने 30 के लाइक्स का टारगेट रखा तो आप लोगों ने कितने सारे लाइक्स करवा दिए, तो इस बार मैं एम रखता हूँ 35 के लाइक्स का। तो अभी क्या अभी लाइक का बटन दबाओ और कंप्लीट करवाओ मेरे दोस्तों, करवा दो। एंड अब ट्राई करते हैं सेकंड वाला मित्र। और सेकंड वाला मित्र ये है कि हम लोग टोटम ऑफ अंडाइंग को भी क्राफ्ट कर सकते हैं, एक आई ऑफेंडर बीच में और चार गोल्ड इंगट के साथ और दो एमराल्ड्स के साथ। ये बिल्कुल फेक लग रहा है, तो यहाँ से एमराल्ड्स, गोल्ड इंगट और एक आई ऑफेंडर ये भी ले रही। और अब रखते हैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल प्लेस, और अब इसके अंदर हम लोग को टोटम ऑफ नाइन क्राफ्ट करना है। यार ये बिल्कुल नहीं हो सकता, सच में यार बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी चीज है, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता मुझे लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है। यहाँ पर रखते हैं एक आई ऑफ एंडर सेंटर में, और अभी चार गोल्ड इंगट्स को हमको रखना है कुछ इस तरीके से, और अभी इन दो गोल्डन इंगट्स को हटा देते हैं, और अब हमको दो एमराल्ड्स को प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। और ये देखो टोटम ऑफ अंडाइंग तो दूर की बात, यहाँ पर कुछ भी क्राफ्ट नहीं हुआ। अब मेरे को लग रहा है गाइस हमको थोड़ा सा एमराल्ड्स की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब मैंने देखो कुछ इस तरीके से चार गोल्ड इंगट्स प्लेस कर दिए और दो एमराल्ड्स इस तरीके से, क्योंकि टोटम ऑफ अंडाइंग की शेप भी ना कुछ इस तरीके की होती है, और ये बिल्कुल क्राफ्ट नहीं हुआ भाई, उसने मुझे बना दिया पागल, और मैं पागल बने भी गया यार। मैंने कैसे भरोसा कर लिया उसके ऊपर कि टोटम ऑफ अंडाइंग क्राफ्ट हो सकती है। सो गाइस ये वाला मिथ था एक नंबर का फेक था, ये बिल्कुल हम लोग क्राफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला मिथ। और नेक्स्ट वाला मिथ है कि पहले एक शल्कर को स्पॉन करो और फिर उसके नीचे का ब्लॉक तोड़ दो और फिर देखो क्या होता है ये। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इसको आप लोग यहाँ पर स्पॉन करते हैं शल्कर को, और अब इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ना है शल्कर, ये ना भाई ऐसा में शल्कर बॉक्स निकल जाता है, तो ठीक है ज्यादा मजाक हो गया। अब इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ना, तो मैं सारी जगह यहाँ से ना फटाफट से क्लीन कर देता हूँ, और फिर इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ेंगे और फिर देखते हैं गाइस क्या होता है। तो अब मैं इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ता हूँ, और अबे शल्कर कहाँ गया, अबे तेरी वाओ। अगर हम लोग शल्कर के नीचे का ब्लॉक तोड़ दें, अबे ये देखो, देखा ना आप लोगों ने टेलीपोर्ट होता है शल्कर, शल्कर कैसे। और इसको देखकर ये बात तो प्रूफ हो गई कि एंड में जो भी चीजें मिलती है वो सारी की सारी चमत्कारी होती हैं। और ये देखो ये टेलीपोर्ट हो गया, इसके नीचे का बस ब्लॉक तोड़ो टेलीपोर्ट हो जाएगा। ये देखो इस बार तो हुए नहीं टेलीपोर्ट, अच्छा ये दीवार से चिपक चुका है, सॉरी ग्रास ब्लॉक से चिपक चुका है। और ये देखो ग्रास ब्लॉक कटा है और ये पिग के पीछे आ गया, और ये सुअर कहीं पर खड़ा है, चल खड़े रहे बेटा पानी में गिरा हो रहा है। और गाइस क्या आपको ये चीज पहले से पता थी, और अगर पता थी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ यार किन किन लोगों को पता था या नहीं पता था, तो कमेंट करो यार। सो गाइस अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले मिथ पे, और नेक्स्ट वाला मिथ यह कहता है कि प्लेस वन डाई वन गन पाउडर एंड गोल्ड नगेट देन मेक रॉकेट विद फायरवुड स्टार एंड सी व्हाट हैपेंड। हाँ तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा है क्राफ्टिंग टेबल और एक गन पाउडर, गन पाउडर भी एक स्टेक ले लेते हैं, और उसके बाद एक डाई, मतलब दो कलर की डाई ले ली। और अब हमें क्राफ्टिंग टेबल के अंदर, अबे एक चीज तो मैंने मिस ही कर दी, और तेरी मेन चीज सबसे भूल ही गया मैं, हमको भी चाहिए होगा गोल्डन नगेट भी चाहिए होगा, और यही तो है मेन थिंग। और इस गोल्डन नगेट और डाई और गन पाउडर को मिलाकर हमको बनाना है एक फायरवर्क स्टार, जो कि बन रहा है और इस पर लिखा भी है स्टार शेप्ड, मतलब कि ये स्टार निकलने वाले हो सकते हैं शायद, मुझे लग रहा है। और अब मुझे बनाना है इसके साथ एक रॉकेट को, जिस तरीके से रॉकेट ऐसे ही बनता है ना, मैं भूल जाता हूँ, नूब नूब कहोगे तुम। और अब इस रॉकेट को मैं यूज करके देखता हूँ कुछ है भी या फिर ऐसे ही उतरी। वाह कितने मस्त स्पार्कल्स निकल रहे हैं इसके अंदर से, पूरा स्टार शेप्ड नहीं लग रहा है लेकिन गाइस बहुत सही चीज लग रही है। और गाइस अभी आप लोग देखो, मैंने यहाँ पर नाइट में सारे डिस्पेंसर्स के अंदर बहुत सारे रॉकेट्स बनती हैं, और अब मैं लीवर को दबाऊंगा और सारे डिस्पेंसर्स एक साथ निकलेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से, और तेरी बहुत ही ज्यादा ऑसम है यार ये। और जैसे ही मैं रॉकेट छोड़ रहा हूँ और ये देखो वाह तेरी, गाइस बुरा ना मानो दिवाली सॉरी होली। गाइस अभी ना मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वाला चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि आप लोगों करना क्या है, जो अपनी नोज होती है नाक, उससे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबा के बताओ। अगर दबा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपसे प्रो कोई नहीं है, तो जल्दी करके बताओ और पहले वीडियो देख लो उसके बाद करना, नहीं तो अभी करना चालू हो जाए। और अब मैं उड़ता हूँ गाइस आसमान में, क्योंकि मेरे पास ट्राइडेंट की शक्ति, और ये कौन आ गया पीछे, ओए उतरी पीछे कौन आ रहा मेरे उड़ते उड़ते, भाई ट्राइडेंट है मेरे पास उसके पास कहाँ से आए, एक मिनट मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, कौन है नीचे आ भाई नीचे आ नीचे आ नीचे आ। और यहाँ पर आ चुका है नीचे, ओए हेलो कौन है भाई तेरा नाम क्या है, ओ अच्छा अरे यार गाइस मैं पहचान चुका हूँ ये कौन है, ये हर्षित, ये है एक नमूना जो कि आ चुका है इस वर्ल्ड में, और ये आया है तो इसके साथ मतलब एक नमूना और आया होगा, और इसी की बात कर रहे थे। और ये देखो शैतान की बात करी और शैतान हाजिर, और ये भी आ चुका है, अमन भी आ चुका है, ओए हेलो भाई बाहर निकल गड्ढे में आके बैठ गया, लाइटरा विलाइटरा यूज करते आता है नहीं, और ये भाई उड़ेंगे फोकट में, ओ बाहर निकलो दोनों के दोनों यहाँ से गड्ढे में से,
अरे ये दोनों को देखो यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, क्रिएटिव में कौन लड़ाई करता है। और ये अर्चित को देखो मस्त बेडरूम इस्तेमाल कर रहा है। अबे इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसने तो मुझे कैद कर दिया बाहर, निकल तेरी बताना पड़ेगा भाई। बेडरूम के अंदर कैद करने चला है मेरे को, मैंने इनको थोड़ा सा डांट क्या दिया। और गाइस सभी के पास अभी इलाइट्रा है, तो मेरे पास एक मित्र आया था कि हम लोग इमोट को यूज कर सकते हैं इलाइट्रा पहने हुए, ये क्या सही है या गलत है, मुझे इसको ट्राई करना तो बनता है यार। और मैं अमन को बता ही रहा था कि हमें ये ट्राई करना है। और ये देखो हर्षित तो ऑफलाइन नहीं हुआ, लेकिन अमन देखो ये खड़ा हो गया, मतलब ये ऑफलाइन हो गया। इसका नेट ना हमेशा धोखा देता है, क्योंकि ये जियो किसी में यूज करता है, वैसे तो मैं भी जियो किसी में यूज करता हूँ। और गाइस अभी हम आ चुके हैं सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पे, और अब करते हैं सर्वाइवल मोड, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से उड़ने वाले हैं और मिथ को ट्राई करेंगे। तो यहाँ से चलते हैं। और भाई ये कहाँ गया अमन? अमन नीचे गिर गया यार, उसे वहीं से कूदना पड़ेगा शायद से। अब मुझे ना लोग को यहाँ से हम लोग उड़ना चालू करेंगे, पहली बार उड़ रहा हूँ मैं इलाइट्रा से। ओ गिर मत जाना। और ये तेरी सॉरी, मैं ट्राई करता हूँ फिर से। अबे एक हार्ड बच बहुत जय बोले बजरंग बली की। और अब उड़ के देखता हूँ मैं लास्ट ट्राई। और ये देखो फाइनली हवा में हम आ चुके हैं अंतरिक्ष की यात्रा पे। और अब बारी है यहाँ पर रिमोट करने की, और देखते हैं हम लोग यहाँ पर रिमोट कर पाते हैं कि नहीं। ओ तेरी वो कैसे हवा में इमोट कर रहा है, इलाइट्रा के समय उड़ते उड़ते भी इमोट कर रहा है। भाई साहब कितनी ज्यादा एपिक चीज है यार ये। वो हेलो कंट्रोल रूम, मेरा रॉकेट काम नहीं कर रहा है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन इमोट कर पा रहा हूँ। वो गिरना मत, मुंह के बल गिरेगा भाई, मर जाएगा, लग जाएगी। नहीं 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 मैं गिर रहा हूँ, उतरी उड़ जा जल्दी उड़। नहीं नहीं जय हो, मर गए। और गाइस अभी ना एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ क्या है आप लोग गैस करो। चलो मैं ही बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक है इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पर जाके मुझे अभी फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं सारे अपडेट्स आपको पहले ही दे देता हूँ कि कब वीडियो आने वाली है कब नहीं आने की। मेरे को चाहिए भी नहीं तेरे वीडियो, वीडियो अच्छा लगा इसलिए देखो। Yo, what's happening guys, my name is Logier. आज हम फिर से दुबई की सिटी में, क्या बात है गाइस। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब को बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी गाइस लेट्स ट्राई एंड गेट 100k लाइक्स आज की वीडियो पर। बड़ी मैटरी को क्या हो गया यार, ये सुबह पतन वो आई थिंक चपाती भाई ने फिर से कुछ ना कुछ कमांड मारी यार। लास्ट टाइम उन्होंने वो हार्ट्स के साथ मेरा किया था, और अभी मेरी इन्वेंटरी के साथ भाई मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट है चपाती भाई, कहां पर मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। वो रहे घर के पीछे भोग रहा है भाई। मैंने भाई ये मेरी बैठ जा तू नीचे भाई, मेरी इन्वेंटरी को क्या कर दिया यार, मैंने तेरी इन्वेंटरी चेंज करके रखी हुई है, और अभी तू एक चीज से ज्यादा इन्वेंटरी के अंदर नहीं भाई। ये क्या कैसे भाई, अभी ट्राई करिए भाई, एक और ट्राई करता हूँ भाई। अब ग्रास ट्राई कर ले, वो ये ग्रास ट्राई करता हूँ। एक चीज से ज्यादा तेरी इन्वेंटरी में अंदर कुछ नहीं आएगा। अभी फ्लावर उठा ले टूट जा भाई। ओ ये रही, ओ मैं उठा ही नहीं सकता भाई। ये तो चीटिंग है भाई, ये तो चीटिंग कैसी होगी भाई, लेकिन एक रिवॉर्ड भी है। ओ रिवॉर्ड भी है वो है, क्या कहते हैं, क्या बोलने वाला था तेरे को, मैं कुछ चीजें करने के लिए दूंगा। अगर तूने वो चीजें कर ली तो मैं तेरे को पर आइटम पर मिशन में तेरे को एक डायमंड, दो डायमंड दूंगा। चल ठीक है, ओके। सबसे पहले तेरे को एक बेड बनाना है। बेड व्हाट, कैसे पता नहीं है। ओ माय गॉड यार, तो मैं चेस्ट से सामान निकाल सकता हूँ? मतलब ये है कि हमें टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। अगर तेरे को बेड बनाना है तो मतलब मैं चेस्ट नहीं निकाल सकता, चेस्ट में से कुछ भी नहीं निकाल सकता। तेरे पास सिर्फ पूरे दो स्लॉट है, एक तेरे पास एक मेरे पास। ओ तो एक काम करो भाई, एक काम करो, आप जाकर शीप लेकर आओ। मैं भूले क्या हूं, मैं तेरे साथ में जाऊंगा, सारा काम तूने करना है। अच्छा फिर आप ये पकड़ो, मेरे को चलना फिरता से चेस्ट बना कर रखा हुआ है। तो गाइस मैं अपने इन्वेंटरी में से एक स्लॉट इसको दे रहा हूं, तो जैसे ही सबसे पहले इसका मेन टास्क ये है कि इसने बेड बनाना है। शीप्स कहां पे है यहां पर? शीप्स कोई ना कोई तो शीप होगी यहाँ पर। क्या बात है भाई, तो आप क्यों नहीं मारते थे भाई? कहाँ गए भाई? ये पकड़ो भाई, अब ये पकड़ो। दूसरी कहाँ गई भाई? दूसरी कहाँ पर? ये रही। अगले टास्क में मैं तेरे को
बिल्कुल हो चुकी है, अभी तेरे को क्या बनाना है? अभी ओके चलो घर पर। अबे कोई चीज जूस नहीं कर सकता, तूने सारी चीजें खुद बनानी है। ओके ये तो मुझे पता ही नहीं था भाई, सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना रहा है, क्राफ्टिंग टेबल बना दिया। ओह माय गॉड यार, ये कर पाएगा? आई डोंट थिंक। ओके अभी एक काम करो, मेरे मेरे सामने वो ड्रॉप कर दो भाई, वो तेरे ऊपर ड्रॉप कर दो। हां हां, ओ लॉगी की प्लानिंग एकदम जबरदस्त है यार, पिरो लॉगी क्या रे, अरे यार बेड बन गया। अभी 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 तूने इस बेड को रेड कलर करना है। व्हाट, कैसे? आई डोंट नो, मेरी एक इन्वेंटरी याद है मेरे पास है, तो तू भाई उसके लिए मुझे रेड वूल चाहिए। हां तो रेड वूल नहीं, तेरे को डाई चाहिए, इस बेड को क्राफ्टिंग टेबल में डाल, उसके ऊपर डाई मार। अच्छा ऐसा होता है? ऐसा होता है, तेरे कंधा माटा पीड़ा हो। चेक भाई को मैं डाई लेकर आता हूं फिर। अबे डाई कहां से लेकर आएगा, तेरे को रेड फ्लावर तोड़ना है। ये रहा भाई रेड फ्लावर, ये रहा भाई रेड फ्लावर। अरे नहीं, ये कर लेगा सारी एडजस्ट को, मैं बता रहा हूं। ओके क्राफ्टिंग टेबल फिर से बना। ओह माय गॉड, तेरे अंदर से जाकर ले, तेरे घर के अंदर क्राफ्टिंग टेबल। ओके ओके, तो डाई से मार इस भाई, क्या बात है, मार दिया। अबे बेड कैसे उठाएगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे पास आइडिया है भाई, ये मैंने वहां पर ड्रॉप कर दिया। ओह क्लेवर, और अभी मैंने बेड यहाँ पर डाल दिया, साथ में डाई और रेड बेड बन गया। लॉगी ने बना दिया रेड बेड। ओके तो दो चीजें की हैं मदर को, दो डायमंड्स वो बेड बनाने के, और दो डायमंड्स क्या बात है, अभी मैं डायमंड रखूंगा, रखूंगा कहाँ पर? डेस्क के अंदर रख ले। अच्छा सही है, अभी तेरे को खतरनाक आने दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, कौन सा खतरनाक चीज बनानी है? तेरे को बनाना है कुक्ड पोटैटो। एक और भाई, पहले मैं आलू लेकर आता हूँ यहाँ से। अच्छा सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, सारी चीजें मतलब फर्नेस भी मुझे बनाना पड़ेगा, फर्नेस बनाना पड़ेगा। अच्छा फिर मैं वहीं से शुरू करता हूँ, पिकैक्स लेनी पड़ेगी, पिकैक्स लानी पड़ेगी, और फर्नेस तोड़ना पड़ेगा, कोयला ढूंढना। अबे मेरा घर तोड़ रहा है ये भाई, ये घर का पार्ट नहीं है, ये घर का पार्ट है। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले मैं चीजें निकालता हूँ फिर। गाइस आई थिंक ये वाला थोड़ा बहुत खतरनाक होने वाला, आई डोंट थिंक ये कर पाएगा। सबसे पहले इसको क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा यार। क्राफ्टिंग टेबल तो भाई जंगल में पड़ा है वो। ओके क्या कर रहा है ये भाई? मैं क्राफ्टिंग टेबल बना रहा हूँ फिर से। कितने क्राफ्टिंग टेबल बनाएगा ये? थोड़ा बहुत हार्ड होगा इसके लिए, मैं पीछे खड़ा। देयर वी गो, लकड़ी पे। अबे ये क्या कैसे बनाएगा, मेरे को देखने। अरे क्या आईडिया लगेगा यार, चीजें फेंक के फिर से उठा रहा। मेरे को याद है कि मेरे पास, ओह वेट व्हाट, मेरा एक स्लॉट है तेरे पास, तेरे को भूल रहा है बार बार वो। ओ ये है एक स्लॉट है। ओके तो पिक, अरे ना बना ही नहीं भाई, तुझे पिकैक्स लेके फेंकनी होगी बाहर। मैंने फेंकी थी भाई, बाहर फेंक दे, लकड़ियां फेंक दे, लकड़ियां फेंक दे। ओके अब पिकैक्स, देयर वी गो भाई। अब पिकैक्स कैसे उठ, शिट यार, अभी जाके मेरे को स्टोन लेके आना है। अच्छा जब मैं स्टोन लेकर आता हूं भाई, फिर लॉगी कर सकता है, क्या बात है। स्टोन उठा रहा हूं मैं यहां से, और मैं सबसे पहले मैं स्टोन ऊपर कैसे लेकर आऊंगा? ओह माय गॉड यार, ये तो बहुत खतरनाक चैलेंज है। अरे क्या बात है, मैंने ऑगी का स्विमिंग पूल तोड़ दी, ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई। हाँ एक मिनट भाई, मुझे यहाँ से कॉबल स्टोन उठाना है, कॉबल स्टोन, सारा कॉबल स्टोन, कमान। ऊपर आ रहा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। आया तू तो पे, आया ऊपर आ। ओके दे वी गो भाई, तो सबसे पहले ये रहा मेरा कॉबल स्टोन, मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इन्वेंटरी की आइटम तेरे पास ये भाई, मैं तो बार बार भूल ही जाता हूँ भाई। एक मिनट एक मिनट भाई, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया? अच्छा रख दो भाई, यहीं पे रख दो। ओके नाइस, ओके तो ये मैंने बता दिया फर्नेस। क्या बात है, लॉकी की जल्दी फर्नेस में वाली। ओह माय गॉड, अभी इसको वापस जाके पिकैक्स लेके, मुझे स्पीड रन वाली फीलिंग आ रही है भाई। इसको पिकैक्स लेके आनी पड़ेगी, और पिकैक्स से इसको कोयला ढूंढना। अभी मैं जाकर कोयला ढूंढ कर लेकर आता हूं। मैं बाहर नहीं आ पा रहा भाई, मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है। कोयला को छोड़ो, मैं तो वुड भी अंदर रख सकता हूँ फर्नेस में। और आई थिंक आलू लेकर आता हूँ फिर। आप वुड काटो, काटना देर को है। अच्छा काटना देर को, कितने आलू बनाने हैं सिर्फ एक ही ना? एक ही बना ले बस, एक ही बना। सही है सही है सही है, एक काम करो भाई, मैं यहाँ पर लकड़ी तोड़ता हूँ, वो लेकर आओ ठीक है। मैं कुछ भी लेके नहीं आने वाला ब्रो, मैं सिर्फ नहीं, मैं लकड़ी तोड़ूंगा, आप सिर्फ, आपको सिर्फ उठानी है। ओके ठीक है, मैं उठा रहा हूं। ओके ये उठा लो भाई, ये दूसरी भी उठा लो। उठा ले, आ जाओ भाई, फॉलो करो, फॉलो कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ओके और अभी ड्रॉप कर दो भाई मेरे ऊपर। दो लग रहे तो मेरे को दी थी, दो वापस ले। ओके आनंद जी ये काम करेगा, वो ये काम कर देगा, काम करेगा, काम करेगा। हॉट पोटैटो, क्या बात है लॉगी, क्या बात है, बनेगा बनेगा, कम ऑन। इधर डायमंड्स ले, एक दो और बन गया भाई। कैसे इसको उठाना भी तेरे को? ये लो। अरे यार शिट, बना दिया भाई, चैलेंज खतरनाक होगा। मैन मैन, ओके
देखे तो लॉगे ने दो डायमंड्स फिर से ले लिया मुझसे। नाइस नाइस, क्या बात है। अभी लॉगे दी फाइनल चैलेंज। फाइनल चैलेंज ओके, 10 डायमंड्स। ओह माय गॉड, कौन सा चैलेंज खतरनाक होगा। तेरे को बनानी है आयरन सोड। ओ माय गॉड यार, कैसे तो मैं अपनी इन्वेंटरी पूरी खाली कर देता हूं। मेरी इन्वेंटरी में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। टैक्टिकली करना पड़ेगा भाई। कम ऑन, बिल्कुल पता है तू करके देगा। पता भी नहीं मुझे करना क्या है भाई। सबसे पहले आई थिंक जाके तेरे को सबसे पहले मुझे जाकर स्टोन की पिकैक्स बनानी होगी। उनकी पिकैक्स पहले बनानी पड़ेगी। मैं क्राफ्टिंग टेबल तेरे लिए लेके आता हूं, ठीक है? अच्छा सही, आप लेकर आओ क्राफ्टिंग टेबल। तेरा फर्नेस भी यहीं पे पड़ा हुआ है। फर्नेस को रहने दो भाई, फर्नेस को रहने दो। कम ऑन, स्टोन तोड़, स्टोन तोड़, स्टोन स्टोन, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई ये खतरनाक वाला चैलेंज है। तो कितना टाइम से मैं भूल गया। जाकर आयन लेकर आता। और ये रहा भाई, ये पानी के अंदर हूँ भाई। यस जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तो मुझे जाकर ये स्मेल भी करना है। दूसरी अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर माइनिंग थोड़ी लेट होती है। और सिर्फ दो ही चाहिए ना, ये तीन चाहिए। सोर्ड बनानी है, सोर्ड। ओ यस, और कितना खत, मुझे लगा था कि ये डेंजर होगा, इसको माइन में जाना पड़ेगा, इसको चीजें वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं। सबसे पहले उसको, अरे आलू मैंने निकाल देता हूँ अपने ही आलू, और ये आलू भी निकाल दो। और अभी मैंने वो अंदर रख दिया भाई। अभी क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे लकड़ी चाहिए। फ्री की आलू, यस ले लो भाई, आप आलू ले लो। फ्री आलू ले लिए। ओके आलू आप रख लो। देखो दो तीन लॉक्स चाहिए होंगी। अबे दो काफी होंगी भाई, दो काफी होंगी। ओके जब तक ये स्मेल्ट होता है, लॉगी को आई थिंक और ट्रीज काटने होंगे ताकि वो स्टिक्स बना सके। ओह माय गॉड, ये मैं तो भूल ही गया। यस ओके ओके, सिर्फ एक ही चाहिए भाई, एक ही, एक ही काफी है। प्रॉफिट टेबल लेके आ दो, क्योंकि देखो प्रॉफिट टेबल चाहिए होगा। ओह ये खाली है। ओके अभी मुझे सबसे पहले यहां पर लकड़ियां बनानी है भाई। आए तो आई थिंक मेरा तैयार हो चुका है। अबे फेंक दे इसको तूने। ओके फेंकता है। ओके देयर वी गो। और मेरा आयरन ये रहा। कम ऑन, और अभी मुझे बनानी है सोर्ड भाई। नो शिट यार, मुझे लगा था कि ये बना दी। आयरन सोर्ड मैंने बना दी। कितने डायमंड्स है? 10। क्या बात है भाई। मैन मैन, खतरनाक चैलेंज था गाइस। अगर आपको और चैलेंजेस चाहिए ऐसे तो हिट सब्सक्राइब अभी के अभी यार। तो चलेगा, आई थिंक मेरी वीडियो में इतना काफी होगी। एंजॉय आज तो मैंने फ्री के डायमंड कमा लिए यार। तो अगर आपको ऐसे और चाहिए तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय। मुझे को नहीं चाहिए, लोग को अच्छा लग रहा है तो करो, और लग रहा है तो चुपचाप करो भाई, कुछ नहीं पता करो। जब वो अच्छा लग रहा है, मैं इतना अच्छा अच्छा वीडियोस बनाता हूँ, उसके ऊपर 20 वीडियोस भी बनाता हूँ, 20 वीडियोस लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है यार, मेरे एक सब्सक्राइबर भी नहीं है। तुम जब सीखते हो तब सीखते हो। तो देखो गाइस, हमारी फ्री फायर के अंदर इतने सारे कैरेक्टर आ चुके हैं ना कि हमको समझ में नहीं आता कि हम कौन से कैरेक्टर यूज करें और कौन से ना करें। जैसे गाइस बिना तेल के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे गाइस अच्छे कैरेक्टर के बिना आपका गेम प्ले भी अच्छा नहीं हो सकता। ये तो कुछ मैच ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस आज मैं आपको सीएस रैंक के लिए बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। देखो सीएस रैंक के अंदर अलग अलग तरह के प्लेयर होते हैं। एक तो वो होते हैं जो शॉर्ट रेंज के अंदर ज्यादा फाइट करते हैं मेरी तरह, और एक वो होते हैं जो लॉन्ग रेंज के अंदर ज्यादा फाइट करते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को कवर फायर देते हैं, एंड तीसरे वो जो नेड करते हैं, नेडर होते हैं, और चौथे वो होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, मतलब कि जो सोलो में रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं, जिनको शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज एंड नेड सब कुछ करना पड़ता है। तो उनके लिए भी बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक लाइक कर देना। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रेंज प्लेयर के लिए बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन जान लेते हैं। तो अगर आप शॉर्ट रेंज के अंदर ज्यादा फाइट करते हो तो गाइस आपको एक्टिव स्किल के अंदर हुकुंग चचा या फिर क्रोनो चचा को यूज करना चाहिए। क्रोनो चचा इतना ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, बट फिर भी शॉर्ट रेंज के लिए बेस्ट है। और अगर आप वुकुंग चचा को यूज करोगे तो गाइस आप एक एनिमी को डाउन करते ही तुरंत वुकुंग
बनके दूसरे एनिमी को भी इजिली मार सकते हो। इसके बाद आपको यूज करना है मैक्सिम भाई को, ये आपकी हीलिंग स्पीड को 30% बढ़ा देता है, मतलब कि गाइस आप बहुत ही जल्दी मेडिकेट कर पाओगे। एंड थर्ड कैरेक्टर स्किल में आपको कैली अंटी को यूज करना है। वैसे आपकी कैली क्या लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो जो कैली है वो गाइस आपकी स्प्रिंटिंग स्पीड को बढ़ा देती है एंड शॉर्ट रेंज प्लेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको यूज करना है जोटा अंकल को। जोटा की एबिलिटी शॉर्ट रेंज प्लेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एबिलिटी है, जब भी गाइस आप किसी भी गन से एनिमी को डाउन करते हो तो आपको डाउन करते ही 20% HP मिलेगी, यानी कि आपको 20 HP मिलेगी पर डाउन, ठीक है। और गाइस जब आप शॉर्ट गन से किसी एनिमी को थोड़ा सा डैमेज देते रहोगे, मतलब जब आप उसको डैमेज दोगे शॉर्ट गन से, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी HP भी मिलती रहेगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस आपके पास जोटा कैरेक्टर नहीं है तो आप हयातो को भी यूज कर सकते हो। हयातो भी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। ये वेस्ट पेनेट्रेशन को बढ़ा देता है, यानी कि जब इसकी हेल्थ 10% डिक्रीज होती है तो ये सामने वाले एनिमी को वेस्ट पर ज्यादा डैमेज देता है। तो अभी बात कर लेते हैं जो प्लेयर CS के अंदर लॉन्ग रेंज में फाइट करते हैं उनको कौन से कैरेक्टर यूज करने चाहिए। तो भाई उनको एक्टिव स्किल के अंदर स्काइलर को यूज करना चाहिए। वैसे आप वोकुंग या फिर और किसी एक्टिव स्किल कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको स्काइलर को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो स्काइलर है, अगर गाइस आप किसी एनिमी को डाउन कर देते हो और वो एनिमी तुरंत ग्लूवॉल मारता है तो आप उसके ऊपर स्काइलर मार के उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हो। तो गाइस आपको स्काइलर को यूज करना चाहिए। इसके बाद आपको यूज करना है मोको अंटी को। एंड पिछली वीडियो में बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि मोको हमारी GF लगती है। भाई कितनों की GF लगती है, वो जो मोको है इसकी एबिलिटी बहुत ही कमाल की है। जब भी गाइस आप एनिमी को डैमेज देते हो तो उसके ऊपर एक एरो बन के आ जाता है, जिससे गाइस आपको उसकी लोकेशन पता चलती रहेगी एंड आप लॉन्ग रेंज में बहुत ही आसानी से उसको टारगेट कर पाओगे। इसके बाद आपको यूज करना है मारो कैरेक्टर को। मारो कैरेक्टर लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि एनिमी आपसे जितना ज्यादा दूरी पे होगा ये उतने ही डैमेज को बढ़ा देगा। अगर एनिमी आपसे बहुत ज्यादा दूरी पे है तो गाइस उस एनिमी को 25% ज्यादा डैमेज पड़ेगा। जब गाइस आप मारो से उसको मारोगे तो उसको 25% ज्यादा डैमेज पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मार्क्ड एनिमीज को मारोगे, जैसे मोको और शिराओ से मारने पर एनिमीज के ऊपर मार्क बन जाता है, अगर आप उन एनिमीज को मारोगे तो उनको 3.5% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा, यानी कि 25 और 28% ज्यादा डैमेज पड़ेगा। इसके बाद एक और कैरेक्टर है लोरा, जो कि रफेल की गर्लफ्रेंड है। अगर गाइज आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी कम है तो गाइज आपको इस कैरेक्टर को जरूर यूज करना चाहिए। जब भी गाइज आप स्कोप वाली गन से स्कोप इन करके किसी एनिमी को मारोगे तो ये उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगी और सारी की सारी गोलियां एनिमी को जाके लगेगी। इसके बाद जो हमारा थर्ड कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन आता है, ये है ग्रेनेड प्लेयर के लिए। अगर गाइज आप नेडर हो तो आपको एक्टिव स्किल के अंदर यूज करना है क्ल्यू या फिर क्रोनो को। जो क्ल्यू है वो एनिमी की लोकेशन को बता देगी, जिससे आप उनकी लोकेशन को पता करके एक सही जगह पे नेड कर सकते हो, और जो क्रोनो है उससे आप कवर ले सकते हो। तो आप इन दोनों में से एक्टिव स्किल के अंदर कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्ल्यू भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, आपकी टीम में एक बंदे के पास तो होना ही चाहिए। एंड इसके बाद जो आपको सेकंड कैरेक्टर यूज करना है वो है अलवारो। जो अलवारो है वो एक्सप्लोजिव वेपन जैसे लैंडमाइन, ग्रेनेड, लॉन्चर, उनके डैमेज को बढ़ा देता है और डैमेज की रेंज को भी बढ़ा देता है। अगर गाइस आप नेडर हो तब तो आपको अलवारो को जरूर यूज करना चाहिए। और इन दोनों कैरेक्टर के बाद आप मैक्सिम, कैली या फिर एंड्रयू को यूज कर सकते हो, और उसी के साथ आपको यूज करना है बीस्टन पैट। अभी बात कर लेते हैं ऑलराउंडर प्लेयर के लिए, जो कि यार सोलो में रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं, उनको कौन से कैरेक्टर यूज करने चाहिए। तो उनको एक्टिव स्किल के अंदर वोकुंग या फिर क्रोनो चच्चा को यूज करना है। यही वो दो कैरेक्टर है जो कि यार बहुत ही पावरफुल है एंड इनसे ही गाइस आप सोलो के अंदर अपने आप को बचा सकते हो। एंड इसके बाद आपको यूज करना है मोको अंटी या फिर आपकी जो भी लगती है उसको यूज करना है। ये एनिमी की लोकेशन को बता देगी, जो कि आपकी टीम के भी काम आएगी और आपके तो आएगी आएगी। एंड इनके बाद आपको यूज करना है कैली, हयातो या फिर मैक्सिम को। यही 4-5 कैरेक्टर है जिनको आपको यूज करना है। एंड मैंने कैरेक्टर्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस गाइज यही था वीडियो में। एंड वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। और अगर आपको अगली वीडियो रैंक के लिए बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन पे चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैम।
बेटा क्या तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद लाओगे? कोका कोला या पेप्सी? कोका कोला 500 ml या फिर 1 लीटर? रहने दो, पानी लेते आओ। हॉट या फिर कोल्ड? ऐसा झाड़ू से मारूंगी ना, यहाँ से निकल जा। अभी जाऊँ या बाद में जाऊँ? बेटा क्या तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद लाओगे? कोका कोला या पेप्सी? कोका कोला 500 ml या फिर 1 लीटर? रहने दो, पानी लेते आओ। हॉट या फिर कोल्ड? ऐसा झाड़ू से मारूंगी ना, यहाँ से निकल जा। अभी जाऊँ या बाद में जाऊँ? बेटा क्या तुम मेरे लिए को वीडियो को लाइक नहीं किया तो 10 साल का बैड लक मिलेगा। तो आज अपन खेलने जा रहे हैं कौन बनेगा आलोकपति। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम दोनों ने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुम दोनों को एक एक दूंगा आलोक। सच में भाई? हाँ भाई। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, वीडियो में दिख रहा शख्स कौन है? अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताने का ये वीडियो में कौन है। फ्री फायर महाशय वीडियो दिखाया जाए। तो बताओ कौन है वीडियो में? ऑप्शन ए बैज 99, ऑप्शन बी रोमियो गेमर, ऑप्शन सी अमित भाई और ऑप्शन डी स्काईलॉर्ड। बैज 99 तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक उसने तो अपना फेस रिवील नहीं किया है और रोमियो गेमर की शक्ल कुछ ऐसे डब्बा आकार की है। अरे भाई सब, ये बंदा तो कल लाइव था, इसका नाम है अमित भाई। अब अमित भाई को लॉक किया जाए। हम अमित भाई को लॉक कर रहे हैं। वेल्ड प्लेट, आप जीत गए एक आलोक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो 10 साल का बैड लक मिलेगा। तो आज आप फ्री फायर का सबसे बड़ा यूट्यूबर टोटल गेमिंग, जिन्हें हम अपने अज्जू भाई के नाम से जानते हैं, अगर आप अज्जू भाई के फैन हो तो आपके लिए गुड न्यूज है गाइस। कुछ दिनों पहले टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया था, तो इसकी खुशी में अज्जू भाई ने कुछ स्पेशल करने के लिए बोला है और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अज्जू भाई के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट की जानकारी आपको मिलती रहे। तो गाइस अज्जू भाई ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि 30 मिलियन स्पेशल आएगा कुछ नेक्स्ट मंथ। तो गाइस आपको क्या लगता है अज्जू भाई फेस रिवील करने वाले नेक्स्ट मंथ? कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस अभी तक हमने देखा कि अज्जू भाई अमित भाई की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे थे ताकि अमित भाई इंडिया की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेल सके और इंडिया का नाम रोशन कर सके। तभी कुछ दूसरे देश के यूट्यूबर्स जैसे कि रिवोक FF और उसका साथी अमित भाई को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और बोल रहे थे इंडिया वाले तो सबके सब नूब होते हैं, ई स्पोर्ट्स जीतना इंडिया वाले को बस की बात नहीं है। ये सुनकर अमित भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अमित भाई रिवोक FF से बदला लेना चाहते थे, इसलिए अमित भाई और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। अमित भाई एक के बाद एक बदले वाली वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब अमित भाई को की तरफ से ई-स्पोर्ट्स खेलना था। जैसे ही अमित भाई स्टेडियम में पहुंचते हैं, वहां सभी के सभी लोग अमित भाई को चीयर कर रहे थे। लेकिन अगर अमित भाई को इंडिया का नाम रोशन करना है तो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर को 1v1 में हराना होगा। अब मैच स्टार्ट हो चुका था। अमित भाई के साथ साथ सभी इंडियंस के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, क्योंकि अगर अमित भाई हार गए तो इंडिया की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तभी अमित भाई जीत जाते हैं और सामने वाला बंदा हार जाता है। अज्जू भाई अमित भाई को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और जो लोग अमित भाई का मजाक उड़ाते थे वो सभी के सभी लोग अमित भाई से माफी मांगते हैं। तो गाइस अब दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि अमेजिंग क्यूब मैजिक ट्रिक हो वाली बात है ना, कंपनी वाले बेवकूफ थोड़ी है। ये पुराने फोन से नॉर्मली 3 काम कर
करते हैं। नंबर वन, आपने रिफर्बिश का नाम सुना है, यानी आपके पुराने फोन को उनमें जो भी छोटी मोटी कमियां हैं, स्क्रैचेस है, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, उन सभी को फिक्स करके ये फोन दोबारा से ऑनलाइन बेचते हैं रिफर्बिश के नाम पे। इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में भी इन सेकंड हैंड फोन्स को बेचा जाता है और प्रॉफिट निकाला जाता है। नंबर टू, अगर फोन पूरी तरह से पुराना हो गया है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, इनके कॉम्पोनेंट्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और दूसरे फोन में यूज किया जाता है। तीसरी चीज, अगर फोन पूरी तरह डेड हो गया है तो इन्हें रिसाइकल कर दिया जाता है। लाइक करो वीडियोस को यार, फ्री है ऐसे ही जान। आज मैं आपको माइनक्राफ्ट हैक बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट सेलर्स भी गए। आपको सबसे पहले यहां पर तीन स्टेयर को प्लेस करना है, उसके बाद यहां पर एक स्लैब और यहां पर आपको आर्मर स्टैंड को प्लेस करना है, उसके बाद आपको यहां पर पीछे तीन ब्लॉक को एक के ऊपर एक प्लेस करना है, और ब्लॉक के ऊपर आपको एक पिस्टन को प्लेस करना है, उसके बाद पिस्टन के नीचे आपको एक ब्लॉक को प्लेस करना है, इसके बाद आपको पिस्टन को एक्टिवेट कर देना है और वापस से आपको पिस्टन को ब्रेक कर देना है, उसके बाद आपको यहां पर वापस से दो पिस्टन एक के नीचे एक आपको प्लेस करना है जस्ट लाइक इट, उसके बाद आपको फिर से नीचे वाले पिस्टन को एक्टिवेट कर देना है और फिर से आपको एक ब्रेक कर देना है, उसके बाद लास्टली आपको यहां पर एक पिस्टन प्लेस कर इसके ऊपर आपको एंड रॉड को प्लेस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको करना है, उसके बाद आपको फिर से इस पिस्टन को एक्टिवेट कर देना है और आपका जो बिल्ड है कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ सारे जो ब्लॉक है इसे तोड़ देना है और आपका बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ओपी दिख रहा है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग। She got a chapel to fear me, ole. My baba laughing at me, ole. While baba yelling at me, ole. But I cry in my room, thinking when I can move out. दुनिया के सबसे तेज स्प्रिंटर उसेन बोल्ट, जिन्होंने 3 ओलंपिक में टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन क्या उसेन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीता को रेस में हरा सकते हैं? दोस्तों, उसेन बोल्ट ने 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट के दौरान 100 मीटर की रेस को 9.58 सेकंड में कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इस हिसाब से उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड 44.72 किलोमीटर पर आवर होगी, वहीं दूसरी तरफ चीता 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। दोस्तों, अगर इन दोनों की 100 मीटर की रेस लगाई जाए तो रेस शुरू होते ही चीता 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5.95 सेकंड में ये रेस जीत लेगा। वहीं उसेन बोल्ट को 9.58 सेकंड लगेंगे इस रेस को कंप्लीट करने में। सो फाइनली ये रेस चीता जीत जाएगा। दोस्तों, दुनिया 5 सबसे अजीब और विचित्र साइकिल। नंबर 1, द बाइक इंपल। आपको जान के थोड़ा अजीब लगेगा कि ये साइकिल में चैन सिस्टम नहीं है, आपको बस पीछे वाले टायर को पैंडल मारना होता है जिसके वजह से ये साइकिल चलती है। ये पूरी सर्कस वाले साइकिल जैसी है। नंबर 2, लोफिट वॉकिंग बाइक। आप सबने जिम में ट्रेडमिल तो यूज किया ही होगा। ये एक ऐसी साइकिल है जो कि ट्रेडमिल और इलेक्ट्रिक बाइक के मिश्रण से बनी है। नंबर 3, लॉन्गेस्ट बाइक। ऐसी साइकिल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। ये दुनिया की सबसे साइकिल है। इसकी लंबाई 117 फीट है। ये सिर्फ सीधा चल सकती है, ये मुड़ नहीं पाती इसकी लंबाई के वजह से। नंबर 4, रनिंग शू बाइक। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये साइकिल में टायर नहीं है। जो वीडियो में आप साइकिल में टायर देख रहे हो, 6 जूतों से बना हुआ टायर है, उसके ऊपर चलती है ये। नंबर 5, क्विजल बाइक। ये एक ऐसी साइकिल है जिसे आप छोटे से छोटे आकार में फोल्ड कर सकते हो, आसानी से कहीं पे भी रख के ले जा सकते हो, जो कि 8.5 केजी की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 सबसे अजीब और विचित्र साइकिल। सोने से जुड़े 10 रोचक तथ्य। नंबर 1, सोना धातु बहुत ही कीमती है और प्राचीन काल से सिक्के और आभूषण बनाने के लिए प्रयोग की जाती रही है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि धरती का 80% सोना अभी भी जमीन के नीचे ही दबा है। नंबर 3, समुद्र में इतना सोना है कि अगर सारा सोना निकाल लिया जाए तो हर इंसान के पास लगभग 4 किलो सोना होगा। नंबर 4, अब तक सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया में मिला था, यह लगभग 69 किलो का शुद्ध सोने का टुकड़ा था। नंबर 5, आज तक जितना सोना पाया गया है उससे ज्यादा स्टील तो आज हम एक घंटे में बना लेते हैं। नंबर 6, वैज्ञानिकों का मानना है कि सोना सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि बुध, मंगल और शुक्र ग्रह पर भी मिल सकते हैं। नंबर 7, सोना और कॉपर दो ऐसी धातु है जो दुनिया में सबसे पहले खोजी गई थी। नंबर 8, शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि हम इसे हाथ से भी मोड़ सकते हैं। नंबर 9, ऐसा दावा किया जाता है कि भूकंप आने पर पानी सोने में बदल जाता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि धरती पर लगभग सारा सोना बाहर से आया है। नंबर 10, ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ दुनिया के कुछ देशों से निकलता है बल्कि धरती के हर महाद्वीप से सोना निकाला जा चुका है। सोने से जुड़े 10 रोचक तथ्य। हाँ भाई, कल मैडम कलेक्शन व्यस करेगा, बता। ओके भाई, करूंगा। भाई वैसे तो मेरे को हंसी आ रही है, बट फिर भी भाई तू कह रहा है तो रद्द कर लेता हूँ मैं कलेक्शन वर्सेस, ठीक है? तेरे लिए यही बहुत है भाई, अब तू बंडल पहन भाई। अरे भाई।
भाई साहब सीजन 5। अरे भाई भाई भैया आपको बहुत हंसी आ रही है ना भैया, अभी रोना भी आएगा। अब दिखाओ दूसरा बंडल। ठीक है भाई ठीक है, रोना नहीं आ रहा है अभी। ओके अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ दूसरा बंडल। ले भाई ये ले भाई आर्टिक ब्लू, किधर गया भाई ये ले भाई आर्टिक ब्लू पहन के दिखा। अरे अरे भाई ये भाई बहुत पुराना है भाई ये तो। अब बोल, बहुत नुबड़ा बोल रहा था भाई मेरे को। अब दिखा दूसरा बंडल कहाँ है भाई, लाभ बंडल अब कौन सा लाए। ओके भाई मान लिया तेरे पास सारे आइटम है। ठीक है चल ठीक है भाई, मैं तेरे को एक क्रिमिनल दिखाऊंगा भैया, मेरे पास है ग्रीन क्रिमिनल भैया, अभी अभी आया था, आप तू दिखा। अरे 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 भाई हेलो भाई हेलो 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 भाई हेलो। क्या हेलो बे, निकल लो निकल लो भाग इधर से नूबड़े, मेरे पास सारे है बे, नूब है भाई। वेलकम टू एम क्यू बनी भविष्य दादा मार कोड़ा ना मने मने मात ने छका मके तुम देखना मैं कर के फर्स्ट टाइम में कर लिया मैंने। सोच रही है का ये फोटो सिर्फ एक बार ही आया तो मित्रों सामने बचा है सिर्फ एक ही बंदा। डार्लिंग डार्लिंग मॉमी, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाऊंगी, एकेस्टो पिस्टो नाडास्टा का टेस्टिकी डोटो। क्या? अभी मस्त ऑनलाइन देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगर नहीं चाटी ना उंगलियां तो मेरा नाम ना बदल लेना, चिक्की से विक्की कर देना। वैसे ही आप इसका नाम दिन में एक बार लेते हो जब आपको गालियां देनी होती है, बाकी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस घर में। मैं खिचड़ी खा लूंगी। क्यों क्या हुआ? क्योंकि तुम जो अभी नाम ली हो ना, इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए ना तुमको हमारे किचन में बस नमक ही मिलेगा, अगर वो भी डलता होगा तुम्हारे इसमें तो। अरे यार मेरे को पता है यार, इस घर में ना कुछ मिलना ही नहीं है सिवाय नमक मिर्ची के। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी उबालना सीख लो पहले तुम। ऐसे ना कैसे ना पैसे में टोटा बनाएंगी। शुक्रा तुमने तो खिचड़ी में जहर मिला दूंगी। डार्लिंग डार्लिंग मॉमी। सो गाइस वेलकम एक नए मैजिक शॉट में, जहां पर मैं आपको एक अमेजिंग मैजिक दिखाने वाला हूं। तो यहां पर गाइस अंदर जो है मोमबत्ती है और अब मैं इसको जो है गाइस आग लगाने वाला हूं। चलिए रेडी हो जाओ। अब देखिए गाइस रेडी हो जाओ, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो 10,000 नए सब्सक्राइबर बढ़ाओ पार्ट 2 के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये देखिए गाइस अंदर ही है बिल्कुल भाई साहब। क्या क्या हो गया भाई? अरे भाई जानकारी पता लगाई कि वे अब कहाँ हैं। तो उन्हें पता चला कि उन सातों ने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया है और अच्छा जीवन जी रहे हैं।
है और बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पता चला कि वे सभी एक आम जीवन जी रहे हैं। दोस्तों उस टीचर का नाम प्रोफेसर वॉल्टर था, जिन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और दोस्तों इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने मार्शमेलो थ्योरी नाम दिया। Guys, 15-year-old boy, so 15 साल का एक बच्चा जिनका नेम सुन के राइस्टार एंड वाइट 444 जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी छोटी सी एज में राइस्टार एंड वाइट 444 जैसे खतरनाक प्लेयर्स को 1v1 कस्टम रूम में बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। एंड उसका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी है। सो बच्चा कौन है, क्या करता है, क्या नेम है, सब बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मेरी हर शॉर्ट वीडियो की एंड में 2 रिडीम कोड होते हैं, जिसे स्टार्टिंग के 2 ही बंदे रिडीम कर सकते हैं। एंड आप मेरी वीडियो बाद में देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप भी रिडीम कर सको। गाइस, मैं जिस 15 साल के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नेम है स्मूथ एंड स्निकी। एंड बात कीजिए उसके यूट्यूब की तो 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे। गाइस, 15-year-old बॉय। अमेरिका में एक भारतीय एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है, तभी वहाँ एक अंग्रेज आता है और उसे हटने के लिए कहता है। इस पर भारतीय कहता है कि सर अभी मेरे पैसे नहीं निकले हैं, लेकिन वो अंग्रेज उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तू यहाँ क्यों है, तू जा अपने देश, वहाँ की मशीन यूज कर, ये हमारी मशीन है। और फिर अंग्रेज उसे धक्का मारकर साइड कर देता है। फिर वो अंग्रेज ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ उस कंपनी का मैनेजर आता है और कहता है कि आज मैं आप सभी को इस कंपनी के नए बॉस से मिलवाने वाला हूँ। ये बॉस कोई और नहीं बल्कि वही भारतीय होता है जिसकी उस अंग्रेज ने बेइज्जती की थी। जब ये अंग्रेज देखता है तो वो चौंक जाता है और साथ ही डरने भी लगता है, क्योंकि अब कंपनी का नया बॉस वो भारतीय ही होता है। थोड़ी देर बाद वो अंग्रेज बॉस के कैबिन में जाता है जहाँ पर भारतीय होता है। वो डरते डरते उससे बात करने के लिए जाता है और सोचता है कि कहीं उसे अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो भारतीय उससे बड़े आदर और सम्मान से बात करता है और उसे उसकी गलती का एहसास कराता है और उसे माफ कर देता है। अमेरिका में एक सम क्यूट हैबिट्स अबाउट BTS members। नंबर 1, RM के क्यूट हैबिट है कि अक्सर वो अपने मुंह को बंद करके हंसते हैं कुछ इस तरह, जिसमें वो काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं। नंबर 2, V की मीटिंग में अकेला सुनीता भाभी कहा है, अरे यार वो गैंग के साथ कस्टम खेल रही है, अरे भाई लोकेश मुझसे ग्लो ही नहीं लगता यार, लगता है कस्टम में M10 चल रही है। इसीलिए सुनीता भाभी तेरे साथ नहीं खेलती, और तो तेरे पास छोटा ग्लू होल भी नहीं है, और लोग लोकेश को नो बड़ा बोल, इतना कम एमओ, इतने एमओ में तो मेरी ग्लू होल भी नहीं टूटेगी। बेटा आपके पापा कहाँ गए, मेरी थैली नीचे रखी हुई है। पहली बात तो इतनी छोटी बच्ची को काउंटर पे कौन बिठाता है, अभी तो वीडियो ढंग से शुरू भी नहीं हुआ कि इन लोगों ने लॉजिक फेंक दिया। अंकल सुनो। हाँ बेटा। आप मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बेटा कर दूंगा ना, बोलो। अंकल ये थैली में क्या समोसे हैं? और वो रास्ते में 4 गरीब लोग बैठे रहते हैं, उनको दे देना। ठीक है बेटा मैं ये दे दूंगा। बेटा आपको कैसे पता वहाँ पे रोज 4 लोग बैठे रहते हैं? अरे अंकल जितना बोला उतना करो ना, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं 20 रुपए के समोसे मैं रोज उनके लिए भेजती हूँ। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अरे अंकल इतनी छोटी बच्ची को यूज करके जो सिंपथी वाले शॉर्ट्स बनाकर आप व्यूज और लाइक्स ले रहे हो, बड़ा काम तो आप कर रहे हो। देखो बच्ची बहुत क्यूट है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो बड़े लोग हैं उन्हें समझना चाहिए था। एनीवेज गाइस, 2022 खत्म होने से पहले मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर रिजल्ट करवा दो। बेटा आज गाइस इतना तगड़ा कलेक्शन वर्सेस करूंगा पूरा यूट्यूब। देखो अब देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर बहुत सारी सोप डाल दी है, तो पहले इसे मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से, और अब डालते हैं अपन इस हाइड्रोजन गैस को इस सोप वाले वाटर के अंदर। पहले इसे इसके अंदर डाल लेते हैं, अब खोलो। ऑलराइट गाइस, तो अभी तो इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हुए हैं। ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, इसके अंदर हाइड्रोजन इकट्ठी हो रही है।
पर ये बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो हो बादल। रुको, बंद करो बंद करो बंद करो, पूरे को उड़ाते हैं। वो कितना बड़ा है। तो गाइस यार ये है घर पे आसानी से बादल बनाने की निंजा टेक्निक। देखो अब देख सकते हैं कि यार देखो अभी मैंने डाउन किया था ग्लू अलग। अरे इमोट पे इमोट चल रहे भाई, वाह वाह भाई वाह। इन लोगों को लगता है मैं इन लोगों को मार नहीं सकता, होता है ये इमोट बाजी चल रहा है। देखो भाई ग्लू वाल करते जा रहा है भाई, कितने ग्लू वाले। अरे भाई कितने इमोट दिखा रहा है, क्यों ना पादू को छुड़ा जाए लोगों को। अभी जल के रख हो जाएगा, देखो ना कैसे तरफ तरफ का जल रहा है भाई। तुम लोग ऐसा रोज 36 आता 36 जाता है, बड़े बड़े को पानी पिला रखा है तुम क्या चीजों पे। हाँ ऐसे गेम चेंज करेंगे ना, ये लोग देखते रह जाएगा। रुक जाओ अभी मोट चले, रुक जाओ। ये लोग ऐसे गेम चेंज करेंगे, तुम बस देखते जाओ ठीक है। पौड़े ऐसी तैसी कर देगा ना। अरे भाई अपन इमोट दिखा के मारते गए, इमोट दिखा के। इन लोग को कुछ पता नहीं अपन क्या करने वाला है, अपन के दिमाग में कुछ खतरनाक चलता है। हाँ ये भी कितना ग्लू करेगा भाई, अपन भी देखते रुक जाओ कितना ग्लू करेगा। अरे करो 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 करो, आप इनका गेम करते करते भाई 36 आता है 36 जाता है तुम जैसे। सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। देखो गाइस वो रहा सामने फ्यूज का स्कूल, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम सर, वेलकम। मजाक कर रहा है, जरा भी है यार, शर्ट मार दे यार। क्या नहीं होती तो मार दे। टाइगर शॉप है, टाइगर शॉप कूद जाता है। चल झूठा, टाइगर शॉप यहाँ से वहाँ कूद जाता है। नहीं अभी तो मैंने स्टार्ट किया, कूद जा फिर, कूद जा। हमने इतनी छोटी पतंग उड़ा दी थी, इतनी सी। क्या क्या देख रही है, क्या कर रही है, पागल है। जब कोई पाकिस्तान में एयर ड्रॉप लूटता है तब अयो अल हबीबी झट एयर ड्रॉप होती, AWM निकल जाती, गोजरा मिल जाती, दे दे रे ओ भाई। अरे यार जब कोई इंडिया में एयर ड्रॉप लूटता है तब, अरे दादा रे सामने एयर ड्रॉप है गाइस, जब लूटेंगे ओम एयर ड्रॉप देवता नमा, गोजरा गन निकल जाए नमा, बबलू WM ना मिल जाए नमा, ओम सिवान सिवान बिंग बिंग बू, तार चिपक गई छाती से सस्ते न से AWM निकल जाए नमा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम लोंडिया लंदन से लाएंगे, रात में ड्रॉप उठवाएंगे, जिंदगी झंडे फिर भी घमंडे, AWM निकल के आ जाओ, ओम सिवान सिवान दे 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 दे, ओ भाई AWM निकल गई रे, AWM निकल गई गाइस, बबलू WM आ गई यार। जब कोई पाकिस्तान ऐसे एंड्रॉइड है जिनका साइज 0 MB है, मतलब केबिन है, बहुत यूजफुल है। नंबर वन डॉल्फिन 0 इनकॉग्निटो ब्राउजर, 464 KB का ये ब्राउजर है। और इस ब्राउजर की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह के ब्राउजर हिस्ट्री, फॉर्म डेटा, पासवर्ड, कैशे डेटा एंड फाइल, इन सभी को स्टोर नहीं करता। नंबर टू ऐप स्लिम सोशल, फेसबुक तो यूज किया होगा, फेसबुक का जो ऐप है वो बहुत ज्यादा MB का है और बहुत ज्यादा डेटा भी कंज्यूम करता है। तो ये जो ऐप है सिर्फ 202 KB का है, मतलब फ्री है, कोई भी एड्स नहीं मिलते इस ऐप में, और यहाँ पर जाके आप फेसबुक एक्सेस कर सकते हो। स्टोरेज प्रॉब्लम हो तो ऐसे में बड़े काम की ऐप है ये। नंबर थ्री इमेज कंप्रेसर लाइट, सिर्फ 900 KB का ऐप है, यहाँ पर आके आप साइज मेंशन कर सकते हो। इस ऐप पे आके आप हाई MB के इमेज को KB में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये 1 MB का इमेज है, और देखिए ये 400 KB में कन्वर्ट हो गया, इमेज क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। इस इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक बनता है, शेयर कर दो, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। तीन ऐसे एंड्रॉइड है जिनका साइज 0 MB है, मतलब केबिन है, बहुत यूजफुल है। नंबर वन डॉल्फिन 0 इनकॉग्निटो ब्राउजर, 464 KB का ये ब्राउजर है, और इस ब्राउजर की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह के ब्राउजर हिस्ट्री, फॉर्म डेटा, पास। तीन ऐसे एंड्रॉइड है जिनका साइज 0 MB है, मतलब केबिन है, बहुत यूजफुल है।
नंबर वन डॉल्फिन जीरो इनकॉग्निटो ब्राउजर 464 केबी का ये ब्राउजर है। और इस ब्राउजर की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह के ब्राउजर हिस्ट्री फॉर्म डेटा पासवर्ड कैशे डेटा एंड फाइल इन सभी को स्टोर नहीं करता। नंबर टू ऐप स्लिम सोशल ऐप। फेसबुक तो यूज किया होगा तो फेसबुक का जो ऐप है वो बहुत ज्यादा MB का है और बहुत ज्यादा डेटा भी कंज्यूम करता है। तो ये जो ऐप है सिर्फ 202 KB का है, मतलब फ्री है, कोई भी एड्स नहीं मिलते इस ऐप में और यहाँ पर जाके आप फेसबुक एक्सेस कर सकते हो। स्टोरेज प्रॉब्लम हो तो ऐसे में बड़े काम की ऐप है ये। नंबर थ्री इमेज कंप्रेसर लाइट। सिर्फ 900 KB का ऐप है, यहाँ पर आके आप साइज मेंशन कर सकते हो। इस ऐप पे आके आप हाई MB के इमेज को KB में कन्वर्ट कर सकते हो और ये 1 MB का इमेज है और देखिए ये 400 KB में कन्वर्ट हो गया। इमेज की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। इस इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक बनता है, शेयर कर दो, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। तीन ऐसे एंड्रॉइड है जिनका साइज 0 MB है, मतलब केबी में है, बहुत यूजफुल है। नंबर वन डॉल्फिन जीरो इनकॉग्निटो ब्राउजर 464 KB का ये ब्राउजर है। और इस ब्राउजर की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह के ब्राउजर हिस्ट्री फॉर्म डेटा पासवर्ड कैशे डेटा एंड फाइल इन सभी को स्टोर नहीं करता। नंबर टू ऐप स्लिम सोशल ऐप। फेसबुक तो यूज किया होगा तो फेसबुक का जो ऐप है वो बहुत ज्यादा MB का है और बहुत ज्यादा डेटा भी कंज्यूम करता है। तो ये जो ऐप है सिर्फ 202 KB का है, मतलब फ्री है, कोई भी एड्स नहीं मिलते इस ऐप में और यहाँ पर जाके आप फेसबुक एक्सेस कर सकते हो। स्टोरेज प्रॉब्लम हो तो ऐसे में बड़े काम की ऐप है ये। नंबर थ्री इमेज कंप्रेस। तीन ऐसे एंड्रॉइड है जिनका साइज 0 MB है, मतलब केबी में है, बहुत यूजफुल है। नंबर वन डॉल्फिन जीरो इनकॉग्निटो ब्राउजर 464 KB का ये ब्राउजर है। और इस ब्राउजर की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह के ब्राउजर हिस्ट्री फॉर्म डेटा पासवर्ड कैशे डेटा एंड फाइल इन सभी को स्टोर नहीं करता। नंबर टू ऐप स्लिम सोशल ऐप। फेसबुक तो यूज किया होगा तो फेसबुक का जो ऐप सेंट ऑफ फ्रूट डलगोना कैंडी बनाते हैं और यहाँ पे मैं उसका पुचनी निकाल रही थी क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था और सेटिस्फाइंग लग रहा था। तो यार सेंट ऑफ फ्रूट लेना है और उससे टी बना देना है क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था और ये जब मेल्ट होने लगा तो काफी मस्त लग रहा था। और गाइज अगर आपको चोको चिप्स डलगोना कैंडी देखनी है तो मम्मी के चैनल पे आए हैं, कमेंट में लिंक है, वहाँ पे देख सकते हो। तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया और फिर मिक्स 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 काफी स्टिकी था बट ठीक है, हो गया। और जब हमने डाला उसके बाद ये चोखा हो गया हमारा, ये पता नहीं क्यों बहुत ही गंदा सा दिख रहा है। तो उसे फिर से मेल्ट किया और उसके बाद जैसे तैसे बनाया और उसके बाद अच्छा बन गया, एक स्टार शेप दिया और इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल च्युइंगम की तरह लग रहा था। तो नॉर्मल च्युइंगम ही खा लो, डलगोना बनाने की क्या जरूरत है। वैसे मुझे पता है कोई बना के इसे खाता है नहीं, बस आपको देखने का शौक है। आप च्युइंगम खाते हो या नहीं खाते हो, लेकिन आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि ज्यादा च्युइंगम मत खाया कर, निकल जाएगा तो मर जाएगा, एक दिन चिपक जाती है पेट में, सड़ जाती है ये। लेकिन क्या च्युइंगम खाने से सच में किसी की मौत हो सकती है क्या? देखिए हमेशा फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन आपको लेकर आते हैं, लाइक सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। देखिए जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो सीधा पेट में जाता है और पेट उसको पचा लेता है, लेकिन पेट पचाता कैसे है? एक्चुअली हमारे पेट के अंदर बहुत सारे एसिडिक फ्लूइड्स होते हैं जो इतने ज्यादा एसिडिक होते हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और पचा देते हैं। अब देखिए च्युइंगम नॉर्मल खाना तो नहीं होती है और नॉर्मल खाने से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है और उसको पचाने में पेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर वह उस च्युइंगम को भी आराम से पचा लेता है। इसका मतलब च्युइंगम खाने से मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन 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 अगर आप डेली डेली च्युइंगम निकलना शुरू कर देंगे तो पेट उसको एकदम से पचा नहीं पाएगा और आपके पूरे पेट के सिस्टम के अंदर वह ब्लॉकेज करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और हाँ इसकी वजह से सच में किसी की जान जा सकती है। च्युइंगम खाने से ये कि नहीं कमेंट्स में बताइए। गाइस आप देख रहे हैं कि इस कार को असेंबल किया जा रहा है, पर आपको बता दूं कि इस कार को मात्र एक लकड़ी वो आपके लिए वजह से
आप च्युइंगम खाते हो या नहीं खाते हो? क्या लॉजिक आप चुंगम वो विटैप क्यों यूज कर रहा है भाई? क्या कौन सा वीडियो होगा? आप चुंग पार्ट 4 में तो आप लोगों ने देखा CR7 का सैड स्टोरी, पर यहाँ पे अब क्या होने वाला है? CR7 आलोक से मिलते हैं, आलोक से है बोलते हैं, आलोक भी CR7 को है बोलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, CR7 जब आलोक को बोलता है बाय, तभी आलोक पीछे से उसको बोलता है। जब CR7 आलोक के इधर आते हैं तो आलोक एक किक देता है CR7 को, CR7 नीचे गिर जाता है, फिर CR7 आलोक को एक किक देता है और आलोक भी नीचे गिर जाता है। मतलब दोनों में काफी खतरनाक तरीके से फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। कभी आलोक CR7 को मारता है तो उसका भी CR7 आलोक को मारता है। ये दोनों का फाइट काफी लंबा चल रहा था और इसी बीच दोनों का एबिलिटी ऑन हो जाता है, दोनों अपनी अपनी एबिलिटी ऑन कर लेता है। तभी CR7 अपनी एबिलिटी से जंप करके आलोक के पास जाता है और दोनों के बीच फिर से स्टार्ट हो जाता है फाइट एबिलिटी वाला, और दोनों अपनी अपनी एबिलिटी ऑन करके फाइट कर रहा था। तभी CR7 आलोक को एक किक देता है और आलोक नीचे गिर जाता है, पर कुछ भी नहीं होता आलोक को। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतने वाला है नेक्स्ट पार्ट में? तो गाइस मेरे पास इतने सारे डायमंड आ गए हैं पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे यहाँ पर करना क्या है इन डायमंड से। अरे लॉकी तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और तो खुश नहीं है? हाँ यार मेरे पास इतने सारे पैसे हैं पर मुझे ये नहीं पता मुझे करना क्या है। अरे इस तरफ आ, मैं तेरे को ऐश करवाता हूँ। यू से मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस हबीबी, कम टू दुबई सिटी। किसी मेल को मतलब पुरुष को वेल का दांत गिफ्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उनकी बेटी से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है। नंबर 2, जापान में अगर कोई लड़की किसी लड़के से शर्ट का दूसरा बटन मांगती है तो इसका मतलब है कि वो उस लड़के को लैक करती है। नंबर 3, मैक्सिमम जगह अगर कोई ऐसे लील डाउन होकर इस तरह अंगूठी दे और कुछ नहीं टाड़ा वे सिमुलेटर क्योंकि तुम देख पा रहे हो कितना सारा घंटा हो चुका है, 1 घंटा 27 मिनट।